नमस्कार, मैं कुसुम प्रसाद आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी देख पा रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 और हमारा ये साइंस का सत्र है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। और साइंस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज बायोलॉजी। चैप्टर है लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन, इसके बारे में जैव प्रक्रम उत्सर्जन। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से मौजूद हैं हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर सुशील कुमार द्विवेदी सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इस सत्र में। गुड आफ्टरनून मैम जी, और पीएवी विद्या देखने वाले सभी छात्रों का हम अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सर। सर हैं पीजीटी बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ, यूपी से। तो सर बताएंगे आपको इस चैप्टर के बारे में विस्तार से, और इसका बाकी के जो पार्ट्स भी आ चुके हैं। आप चाहें स्टूडेंट्स तो जो इसके पहले के जो सत्र हैं वो एनसीईआरटी ऑफिशियल पे अपलोड हैं, आप उसको देखकर जानकारी ले सकते हैं। और हम बता देते हैं हमारे विभिन्न माध्यम, आप किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559 पर, और आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी है dth.class10@cit.nic.in पर। और ये थे हमारे विभिन्न माध्यम। और इस सत्र को शुरू करने से पहले हम आपसे शेयर करना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन G20 से रिलेटेड। वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। अ नेशन डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलेटरिज्म, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वुड बी अ वॉटरशेड मोमेंट इन अवर हिस्ट्री एज इट सीक्स टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल by finding pragmatic global solution for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam or the world is one family. तो आइए शुरुआत करते हैं आज का ये सत्र और रुक करते हैं सर की तरफ। सुशील सर, सर सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे जो भी स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स हमें इस समय देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 पर, आप इसका एक शॉर्ट रिकैप दे दें ताकि जो भी हमने इससे पहले बात करी इस चैप्टर से रिलेटेड वो उनको थोड़ा सा और जानकारी मिल जाए और उन्हें याद आ जाए कि क्या क्या उन्होंने पढ़ा है। बिल्कुल कुसुम जी, प्यारे बच्चों, पिछले जो सेशन हुए उसमें हम लोगों ने बात की जो अलग अलग लाइफ प्रोसेस हैं जिसके द्वारा हम किसी जीवधारी के जीवन की कल्पना कर सकते हैं। उसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना, कैसे न्यूट्रिशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कैसे रिस्पायरेशन अर्थात श्वसन के द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते और ऑक्सीजन लेते हैं। साथ ही हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन वो प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर में एक बहुत ही यूनिक ऑर्गन होता है जिसे हम हार्ट कहते हैं, जो लगातार बीट करता रहता है, जिसमें चार चैम्बर होते हैं, और हमारे शरीर में जो फ्लूड पाया जाता है जिसे हम ब्लड कहते हैं, जिसकी मात्रा लगभग 5 से 5.5 लीटर तक होती है। और हम लोगों ने बात की थी कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें 5 लीटर के आसपास और मेल्स होते हैं उनमें 5.5 लीटर के आसपास ब्लड होता है। हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और चारों चैम्बर एक दूसरे से अलग रहते हैं और साथ में वो वाल्व के द्वारा जुड़े रहते हैं। और हमारे शरीर में ब्लड का जो संचार है, ब्लड की पंपिंग है, वो अलग अलग हिस्सों के द्वारा परफॉर्म होती है। विशेषकर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। हमारे शरीर में कुछ स्पेशल वेसल्स होती हैं जिन्हें हम आर्टरीज एंड वेन्स कहते हैं। आर्टरीज वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं। केवल एक आर्टरी का एक्सेप्शन बताया था बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी। दूसरी तरफ हमने आपको बताया था कि वेन्स वो होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि हमारे शरीर का एक यूनिक ऑर्गन डेट इज हार्ट, जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूड पाया जाता है जिसकी वजह से इसे धक्के और फ्रिक्शन जो शॉक से बचाने का है था शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो ये कुछ पुरानी बातें हैं पिछले टाइम की, और आज हम आपको एक अलग ही
टॉपिक पर ले जाने वाले हैं, वो है एक्सक्रीशन अर्थात उत्सर्जन। कुसुम जी सर, मैम, सर कोई प्रश्न हो तो जी आप बिल्कुल पूछें। बिल्कुल सर, यही मैं आपसे पूछने वाली थी। हमारे जो स्टूडेंट्स के कुछ प्रश्न हैं, हम उसके उत्तर जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि लिम्फ क्या है और ये ब्लड से किस तरह से भिन्न है सर। बिल्कुल बच्चों, आपने पिछले सेशन में जाना था कि हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है, ये ट्रांसपोर्ट मीडियम है, अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और इन सारी चीजों के एक जगह से दूसरी जगह भेजने में मदद करता है। ऐसे ही हमारे शरीर में एक और क्लियर फ्लूड पाया जाता है, एक क्लियर कह सकते हैं हम लिक्विड की तरह की संरचना पाई जाती है, कलरलेस फ्लूड कह सकते हैं उसको, जो कि लिम्फ कहलाता है। और वो लिम्फ जो होता है जब हमारा ब्लड बहता है आर्टरीज से और वेन्स के द्वारा डिऑक्सीनेटेड, तो आर्टरीज और वेन्स कहीं ना कहीं पतली ट्यूब से जुड़ी रहती हैं, उन्हें हम कैपलरीज कहते हैं, उनकी दीवार बहुत पतली होती है। तो उन कैपलरीज में जब काफी दबाव के साथ ब्लड फ्लो करता है तो कैपलरीज से ब्लड छन जाता है और एक क्लियर फ्लूड बचता है, और वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत फिर पूरी बॉडी में अलग अलग जगह से कलेक्ट करके भेजा जाता है। तो लिम्फ एक प्रकार का कलरलेस क्लियर फ्लूड है, और सबसे बड़ी विशेषता है कि लिम्फ में WBC पाए जाते हैं। WBC वो कोशिकाएं होती हैं बच्चों जो कलरलेस होती हैं, जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल्स अर्थात ल्यूकोसाइट कहते हैं, और WBC के अलग अलग प्रकार हैं, और WBC का एक प्रकार होता है जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं। तो लिम्फ में काफी ज्यादा तादाद में पाई जाती है, और लिम्फ ही है जो हमारे शरीर की कई सारे इन्फेक्शन के दौरान रक्षा करता है और हमारे शरीर की सुरक्षा करने में मदद करता है। जी कुसुम जी, जी सर, और कुछ विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि सर प्लेटलेट्स किस तरह से हमारी हेल्प मदद करता है और इसके कार्य क्या-क्या होते हैं सर। आप बच्चों, जी जैसा कि हमने बताया था कि हमारे ब्लड में एक बहुत बड़ा भाग प्लाज्मा होता है, और उसके अलावा बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक प्रकार की कोशिकाएं कहलाती हैं RBC या एरिथ्रोसाइट, जिनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से वो लाल दिखाई देती हैं। दूसरी प्रकार की WBC अर्थात ल्यूकोसाइट कहलाती हैं, वो कलरलेस होती हैं। और तीसरे प्रकार की जो सेल्स होती हैं जिन्हें हम तीसरे प्रकार की ब्लड कॉर्पसेल्स प्लेटलेट कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में आर्टरी जो वेन्स पाई जाती हैं उनमें ब्लड काफी प्रेशर में फ्लो होता है, तो कहीं पर ऐसा ना हो कि कहीं पर लीकेज हो या कहीं पर इंजरी हो जाए तो वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए नेचुरली हमारे शरीर में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये कोशिकाएं एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस निकालती हैं जिसकी वजह से अगर कहीं पर कोई लीकिंग हो रही है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको वो सील कर देती हैं। बच्चों आपने देखा होगा कभी आपको चोट लग गई होगी खेलते खेलते, तो आपने देखा होगा कि 10 मिनट 5 मिनट के बाद आपके वो जगह पर घाव पर धीरे धीरे वहां पर थक्का जमा हो जाता है और वो सील हो जाता है एक प्रकार से, इसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और ये ब्लड क्लॉटिंग का जो काम है ये प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। बच्चों जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी बीमारी पाई जाती है जिसमें ब्लड प्लेटलेट के द्वारा ये काम है, ये काम प्रभावित होता है, उसे ब्लीडर डिजीज या हीमोफीलिया कहते हैं। ये आप कक्षा 12वीं की क्लास में पढ़ेंगे, और ये एक प्रकार की एक्स क्रोमोसोम सेक्स लिंक्ड डिजीज है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि ब्लड प्लेटलेट्स बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं हमारे शरीर में, अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने का भी काम करती है। जी जी सर, कुसुम जी, सर एक प्रश्न और लेना चाहेंगे हम। प्लांट में जी ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो किस तरह से होता है ये जानना चाहते हैं हमारे एक विद्यार्थी। जी बिल्कुल बच्चों, पिछली बार हम लोगों ने एनिमल्स में बात की थी कि हार्ट और ब्लड वेसल मदद करते, ऐसे ही अगर हम कल्पना करें तो ऐसे ही कुछ कुछ प्लांट में भी होता है। प्लांट में आपने बच्चों पढ़ा होगा दो प्रकार की वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं जो प्लांट के स्टेम या रूट में वेस्कुलर बंडल के अंदर होते हैं। एक प्रकार के टिश्यू को हम कहते हैं जाइलम, और दूसरे प्रकार के टिश्यू को कहते हैं हम फ्लोयम। और जाइलम के भी आपने अलग अलग कंपोनेंट भी पढ़े होंगे कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जाइलम है, जाइलम में ट्रैकीड, वेसेल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो ये जो जाइलम है ये जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करता है, रूट्स जो होती हैं ये पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, मिट्टी के कणों में जो कैपिलरी वाटर पाया जाता है, और फिर ये वाटर वेसल्स और ट्रैकीट से फिर आगे बढ़ता है। और पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, तो स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन के द्वारा पानी भाप के रूप में उड़ता है। तो
इसकी वजह से एक प्रकार का सक्शन फोर्स डेवलप हो जाता, पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए वो अपने एडजेसेंट जो सेल्स और टिश्यू है वहां से पानी को खींचने लगती है, और इस प्रकार से एक प्रकार से देखा गया है कि जो फिर वो अपने बगल से खींचेगी, फिर उसके बगल से पानी को खींचा जाएगा, और इस प्रकार से पत्तियों से तने से होते हुए रूट तक एक सक्शन प्रेशर डेवलप हो जाता है और पानी को एक जगह से दूसरी जगह अर्थात जमीन से पानी को खींच के पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही एक और टिश्यू होता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसलोकेशन करना। फ्लोएम में भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है बच्चों, जैसे सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो जो फूड है बच्चों, आप जानते होंगे कि वो लीफ में बनता है, पत्तियों में बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और फिर हमारे प्लांट जो एटीपी का खर्च करके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, उसका खर्च करके पत्तियों से भोजन को अलग अलग जगह पर ऑस्मोटिक प्रेशर परासरणी दाब के माध्यम से अलग अलग पौधों के भाग में भेजने का काम करते हैं। तो ये फ्लोएम ही वो टिश्यू है जो जिम्मेवार है ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड के लिए। जी सर, मेरे ख्याल से बिल्कुल ये सारे आपके हो चुके होंगे। बिल्कुल सर, हमें उम्मीद है कि प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सक्रीशन के बारे में जानते हैं सर। तो अब हम अपने बच्चों को बताना चाहेंगे कि ये एक्सक्रीशन एक और लाइफ प्रोसेस है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है, और उन मेटाबॉलिक रिएक्शन से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में बनते रहते हैं। अब सवाल उठता है, अगर हम उन वेस्ट प्रोडक्ट को ना निकालें तो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक वेस्ट प्रोडक्ट है अमोनिया। अमोनिया तो बहुत टॉक्सिक होता है बच्चों, अगर हमारे शरीर में ये ज़्यादा समय तक रह जाए तो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो अमोनिया को निकालना जरूरी होता है। तो जो अलग अलग एनिमल होते हैं, जैसे जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, पानी में पाए जाने वाले एनिमल, उन्हें खूब पानी मिलता है तो वो पानी में इससे घोल के निकाल सकती हैं। लेकिन हमारे शरीर में फिर इसको अमोनिया को तब्दील किया जाता है यूरिया में, और फिर यूरिया और यूरिक एसिड के रूप में कम टॉक्सिक सब्सटेंस के रूप में ब्लड में इसे डाल दिया जाता है, और ब्लड से इसे फिल्टर करके फिर बाहर निकाला जाता है। और इसके लिए हमारे शरीर में स्पेशलाइज ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम किडनी कहते हैं। तो बच्चों आपने जाना कि एक प्रकार का एक्सक्रीटी सब्सटेंस अमोनिया है, दूसरे प्रकार का एक्सक्रीटी सब्सटेंस यूरिया है, और आपने बच्चों देखा होगा बर्ड की ड्रॉपिंग देखी होगी, या लिजार्ड की ड्रॉपिंग देखी होगी, या फिर इंसेक्ट की ड्रॉपिंग, उनका वेस्ट मटेरियल देखा होगा, पाउडरी सब्सटेंस, वो बच्चों और कुछ नहीं, वो यूरिक एसिड होता है। वो एक प्रकार का ऐसा एक्सक्रीटी सब्सटेंस होता है जो ड्राई होता है और जिसको निकालने के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो हमारे जो वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं उसमें अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, उसके बाद कम टॉक्सिक यूरिया होता है, और सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म है, जो शुरुआत की ऑर्गेनिज्म है, जो एक कोश की है, उसके बाद फिर बहुकोश की अर्थात मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते गए, तो उनमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ये एक्सक्रीटी स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे हम आपको उदाहरण के रूप में बताएं, कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे उनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो बिल्कुल सिंपल ढंग से होता है, अर्थात डिफ्यूजन के माध्यम से हो जाता है। ऐसे ही जनरल बॉडी सरफेस से उनके एक्सक्रीटी सब्सटेंस बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें अलग अलग एक्सक्रीटी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। जैसे कुछ एनिमल्स हैं जिनमें, जैसे हम और आप लोग हैं मैमल्स, हम लोगों में एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पाई जाती है एक जोड़ी, जिन्हें हम किडनी कहते हैं। ऐसे ही जो तिलचट्टे होते हैं, आपने देखे होंगे कॉकरोच या अदर इंसेक्ट देखे होंगे, उनमें भी एक प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें हम मालपीजियन टिब्यूल्स कहते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा बच्चों एनिलिड में भी अलग प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती, उन्हें नेफ्रिडिया कहते हैं। तो अब आपको ये जान के बड़ी हैरानी हो रही होगी कि हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्सक्रीटी स्ट्रक्चर पाई जाती है, और ये हमारे शरीर से और उन एनिमल्स के शरीर से एक्सक्रीटी सब्सटेंस को निकालने का काम करती है। जी सर, एक प्रकार के एनिमल। जी सर, किडनी के अलावा और भी क्या सेल ऑर्गन्स हैं सर? हाँ, जैसा कि अभी हमने बताया कि बहुत सारे एनिमल हैं, उन किसी में नेफ्रिडिया जैसे एनिलिड में पाया जाता है। दूसरे प्रकार के एनिमल हमने बताया, मालपीजियन टिब्यूल्स पाई जाती हैं जैसे कॉकरोच और उससे संबंधित इंसेक्ट में। ऐसे ही एक और एक्सक्रीटी स्ट्रक्चर होती जिसे हम कहते हैं फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिकाएं कहती हैं, इन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है।
और ये चपटे कृमि होते हैं जिन्हें हम ब्लैड वॉर्म कहते हैं, उनमें ये एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। ऐसे ही राउंड वॉर्म, जैसे हम आपने देखा होगा कि एक प्रकार के एस्केरिस को हम राउंड वॉर्म कहते हैं, राउंड वॉर्म में एच के आकार की एक संरचना पाई जाती है जिन्हें हम रेनेट सेल कहते हैं, और ये एक्सक्रीशन में मदद करती है। तो ये अलग अलग स्थिति स्ट्रक्चर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मिलके काम करती है, और ये एक्सक्रीशन को अर्थात टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है इसको परफॉर्म करती हैं। कुसुम जी, जी हमारे आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, ये सब अलग अलग एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को निकालने के लिए। तो जी सेम के दाने के आकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें हम किडनी कहते हैं, और ये हमारे ये जो पीछे आप देखते होंगे रीढ़ की हड्डी होती है, उसके दोनों तरफ आजू बाजू ये दो किडनी पाई जाती है, एक लेफ्ट किडनी होती है, एक राइट। मैं चाहूंगा कि आप इसको स्लाइड के माध्यम से बच्चों को दिखाएं, मैंने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप तक शेयर किया है, आप बच्चों देख पा रहे होंगे एक लेफ्ट साइड और राइट साइड दो किडनी होती हैं, और प्रत्येक किडनी में आप देख पा रहे होंगे एक रीनल आर्टरी इंटर करती है और एक रीनल वेन किडनी से बाहर निकलती है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे दोनों किडनी से, आप देख पा रहे होंगे कि एक स्ट्रक्चर दोनों किडनी से, देखिए एक एक स्ट्रक्चर दोनों से निकली है जिसे हम यूरेटर कहते हैं, और दोनों किडनी के यूरेटर जाके एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, पेशाब की थैली कहते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर फिर आगे चल के देखा होगा पतली ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, उसके द्वारा बाहर शरीर से हमारे शरीर के जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है जो फिल्टर होके किडनी से, जो हमारे शरीर का फिल्ट्रेशन पंप है किडनी, उससे फिल्टर होके जो ब्लड फिल्टर होके जो वेस्ट सब्सटेंस है वो फिर हमारे यूरिनरी ब्लैडर पहुंचता है, और फिर यूरेथ्रा के द्वारा इसे बाहर निकाला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक किडनी ये काम करती है और लगातार काम करती रहती है। तो बच्चों, अब आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम चार भागों में विभाजित होता है। पहला भाग किडनी कहलाती है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, हमारे शरीर के फिल्ट्रेशन पंप होते हैं। दूसरा यूरेटर, ये वो डक्ट होती है जो ड्रेन आउट करती है यूरिन को हमारी किडनी से। तीसरी स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर होती है जो एक प्रकार के पेशाब के रिजर्वायर होती है जहां पर यूरिन कलेक्ट होती है, और जब एक सफिशियंट मात्रा में कलेक्ट हो जाती है यूरिन तो अपने आप एक सेंसरी मैकेनिज्म है पूरी, उससे यूरेथ्रा तक सिग्नल पहुंचता है, यूरेथ्रा से फिर बाहर निकाली जाती है यूरिन। तो ये पूरी कहानी है किडनी की। ओरिजिन बच्चों मीजोडर्मल होती है, जो जर्म लेयर होती है, तीन जर्म लेयर, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, उसमें मीजोडर्मल ओरिजिन होती है किडनी की, और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा की ओरिजिन इंडोडर्मल होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। और प्रत्येक किडनी में देख पा रहे होंगे बहुत सारी पतली पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, इन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को हम किडनी की यूनिट कह सकते हैं, ये एक प्रकार की इकाई है जो किडनी का काम परफॉर्म करती है। आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में बहुत सारे नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें बच्चों, तो बाहर का भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला भाग मेडुला पाए कहलाता है। तो ये जो दाहिने तरफ आप देख पा रहे होंगे एक कुंडलित स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, ये नेफ्रॉन ये दोनों किडनी में हजारों की संख्या में पाए जाते हैं और ये काम करते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन आप देख पा रहे होंगे एक यू के आकार की स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर से शुरू होता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोमेन कैप्सूल कहते हैं, और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे नेफ्रॉन का अगला वाला भाग पीसीटी अर्थात प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। इसके बाद देख रहे होंगे लंबी सी यू के आकार की स्ट्रक्चर होती है, इसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, हेनले नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा था इसलिए उनके नाम पर इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे लूप ऑफ हेनले से तो बच्चों देख रहे होंगे एक भाग डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के रूप में आप देख रहे होंगे, और इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट के रूप में देख रहे होंगे। तो ये जो पूरी किडनी के अंदर बहुत सारे हजारों की संख्या में ये नेफ्रॉन होते हैं, और ये नेफ्रॉन किडनी की क्रियात्मक इकाई होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में आप देख रहे होंगे एक आप देख रहे होंगे रीनल आर्टरी ब्लड वेसल, देखिए किस प्रकार से गुथी हुई है बिल्कुल रेटिकुलेट मैनर में, जालिकावत। और आप बच्चों देख रहे होंगे कि
जो नेफ्रॉन है जिसका यू के आकार का जो भाग है जिसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं, इस बोमेन कैप्सूल में आप देख रहे होंगे कि एक एफरेंट आर्टीरियोल जो रीनल आर्टरी का एक भाग होता है ये इंटर कर रहा है, देखिए। और ये भी देख पा रहे होंगे इसका डायमीटर ज्यादा है, मतलब ये काफी चौड़ा है। और ये रीनल आर्टीरियोल बोमेन कैप्सूल में पहुंचने के बाद लगभग 50 के आसपास पत्ती पत्ती ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। इन सारी ट्यूब्स को मिला के हम ग्लोमेरुलस कहती हैं। और ये ग्लोमेरुलस बहुत पतली होती है और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है बहुत थिन होती है। और ये जो ग्लोमेरुलस ये फिर जुड़ के इफरेंट आर्टीरियोल बनाती है। और फिर देख रहे होंगे इफरेंट आर्टीरियोल लेफ्ट हैंड साइड में, अब आ जाइए देखिए इफरेंट आर्टीरियोल इस पूरे जो नेफ्रॉन है इससे देखिए पूरा लिपटा हुआ है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए है। तो ये जब हमने आपको बताया कि हमारे शरीर में जो भी वेस्ट सबिस्टेंस बनते हैं ये सब ब्लड में डाल दिए जाते हैं, और ब्लड में पहुंचने के बाद फिर रीनल आर्टरी से होते हुए जब ये किडनी में रीनल आर्टरी की एक ब्रांच एफरेंट आर्टीरियोल जो नेफ्रॉन में पहुंचती है जिसका डायमीटर ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट में ब्लड यहाँ से इंटर करेगा, लेकिन निकलने की देख रहे होंगे कि सकरा है, कम अमाउंट में बाहर निकल पा रहा होगा। इससे एक प्रकार का प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रेशर के रिस्पॉन्स में यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है उसकी जो मेम्ब्रेन बहुत पतली होती तो ब्लड छन जाता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बच्चों ये देख पा रहे होंगे बोमेन कैप्सूल में होता है, और इसकी वजह से ब्लड में से कुछ सबस्टेंस छन के नीचे आ जाते हैं और वो रीनल फिल्ट्रेट के रूप में आगे बढ़ते हुए प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और इस प्रकार से फिर कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचते हैं। तो ये एक प्रकार की पहली प्रक्रिया है जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं या हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो यूरिन फॉर्मेशन है इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो हमने अभी अभी बताया आपको कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन वेस्ट ग्लूकोज वाटर अमीनो एसिड ये फिल्टर हो जाती ब्लड से और ये बोमेन कैप्सूल से आते हुए फिर हमारे रीनल फिल्ट्रेट के रूप में पीसीटी अर्थात प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड लूप ऑफ हेनले और डीसीटी तक पहुंचते। दूसरी जो मैकेनिज्म होती दैट इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसमें यूजफुल सबस्टेंस कई बार बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान ये रीनल फिल्ट्रेट में आ जाते तो उनको वापस फिर रीअब्जॉर्ब किया जाता है, एक मैकेनिज्म होती ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और आप देखे होंगे अभी पिछले डायग्राम में हमने दिखाया था कि ये जो हमारा नेफ्रॉन होते हैं इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल देखिए, एक रीनल आर्टरी रीनल वेन्स ये पूरी गुथी हुई है इससे। तो ये जब यूजफुल सबस्टेंस को फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब करती है ये कैपिलरीज और जो नेफ्रॉन को सराउंड कर रही होती है तो ये प्रक्रिया कहलाती है ट्यूबलस रीअब्जॉर्प्शन। तीसरी प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है सिक्रीशन, इसमें यूरिया एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट जो सिक्रीट हो जाते हैं ट्यूब्यूल में। तो ये जब कलेक्टिंग डक्ट और यूरेटर से होते हुए इसको फिर बाहर निकाला जाता, मतलब ब्लड में से बच जाते अगर ऐसे सबस्टेंस इनको पुनः ब्लड के द्वारा सिक्रीट करके यूरिया एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट आर सिक्रीटेड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल व्हिच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। सो होल द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन इन्वॉल्व 3 प्रोसेस, वन इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड सिक्रीशन। सो आफ्टर द सिक्रीशन द यूरिन विल बी फॉर्म्ड एंड यूरिन इज ड्रॉप बाई ड्रॉप बींग कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर। एंड आपने देखा होगा यूरिन का कलर येलो कलर का होता है क्योंकि उसमें यूरोक्रोम नामक एक सबस्टेंस पाया जाता, यूरिन से एक एरोमेटिक स्मेल निकलती है, यूरिन का नेचर एसिडिक होता है। और यूरिन आपने बच्चों देखा होगा कि अगर यूरिन कहीं पर कलेक्ट हो जाए थोड़ी दिनों उससे पंजेंट स्मेल निकलने लगती क्योंकि यूरिन में यूरिया पाया जाता है और फिर यूरिया फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया की स्मेल पंजेंट होती है। इसलिए आप कभी यूरिनल में गए हों तो यूरिनल में आपने देखा होगा यूरिनल की एक पार्टिकुलर स्मेल होती है। ये पूरी प्रक्रिया वॉइडिंग ऑफ यूरिन या मिक्रीडेशन या पेशाब का निकलना कहलाता है। जब किडनी के फंक्शन में कुछ परेशानी हो जाती है जैसे कई बार कई लोग कम पानी पीते हैं या कुछ विशेष प्रकार जैसे टमाटर हुआ चौलाई हुआ या पालक ये ज्यादा खाते हैं उनके शरीर में कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन बन जाते हैं जो कि इनसोल्युबल मास ऑफ भी क्रिस्टलाइज साल्ट होते हैं
ऑक्सलेट के, और फिर ये रुद्राक्ष देखा होगा बच्चों उसकी तरह इनके किनारे नुकीले होते हैं और इसकी वजह से दर्द होता है, तो इसे रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। इसका इलाज होता है कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन या सर्जरी के द्वारा, एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा इन्हें बाहर निकाला जाता है। जी दूसरे प्रकार का डिसऑर्डर है जिसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी होती है। और तीसरे प्रकार की जो कहानी बीमारी के रूप में मैं बताना चाहूंगा वो मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, एक कंडीशन कहलाती जैसे यूरिमिया, और ये कुसुम जी बहुत हार्मफुल कंडीशन है। जी मतलब ब्लड में जो अगर देखिए किडनी इसमें अफेक्ट हो जाती है और इसमें यूरिया ब्लड में इकट्ठा होने लगता है, यूरिया टॉक्सिक होता है, तो अगर उसको बाहर निकालना है तो ऐसे व्यक्तियों की जब किडनी खराब हो जाती है तो फिर यूरिमिया की कंडीशन हो जाती है, अगर उन्होंने सही नहीं कराया तो किडनी परमानेंटली डैमेज हो जाती है, फिर ऐसे लोगों को किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है और इसे हीमोडायलिसिस कहते जी, हैं। हम सभी अपने आर्टिफिशियल किडनी टेलीविजन वही काम करती है जो किडनी का काम होता बिल्कुल है, सर बिल्कुल हीमोडायलिसिस के द्वारा हम लोगों की जान बचा सकते हैं। जी, हम सभी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी देख रहे हैं चित्र। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज तमाम बातें बताने के लिए एक्सक्रीशन के बारे में, और हमें उम्मीद है कि बहुत ही मददगार साबित होंगे ये हमारे तमाम स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और स्टूडेंट्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहते हैं। NCERT textbooks for 2023-24 are available throughout the country, and these books may be purchased directly from the NCERT sale counters located at New Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata, and Guwahati. And these books will be delivered at your doorstep without any delivery charges. And if you want to want the soft copy of the books in PDF version, you can also download it for free from NCERT Diksha e-Parshala website and mobile app. So, dear students and learners, please visit the website ncert.nic.in to know more about the authorized vendors. और भी कोई आप बुक्स चाहते हैं तो ज़रूर इस वेबसाइट पर विज़िट कीजिए और तमाम आपको किताबें आपको बिना किसी असुविधा के आप तक पहुंच जाएंगी। और फिलहाल हमारा आज का सत्र ही संपन्न हुआ, और हम बता देते हैं कि हमारा अगला सत्र है संस्कृत का कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, और आज का शीर्षक रहेगा भूकंप विभीषिका। तो क्या होता है भूकंप विभीषिका, इसके बारे में जानने के लिए ज़रूर इस सेशन से जुड़िए। और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।